हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हायर की गूगल टीवी की, जो कि लेटेस्ट 2023 का लेटेस्ट गूगल टीवी हायर ने लॉन्च किया है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 55 इंच का जो मॉडल है, ये आप मैं दिखाता हूँ कुछ टेक्निकल डिटेल। 55 इंच S8 GT मॉडल, जो कि 2023 लेटेस्ट लॉन्चिंग सीरीज़ है हायर की। और देखिए फेब 2023 का आपका लॉन्च है, फरवरी में ही आपका मैन्युफैक्चर हुआ है। करीब इसकी MRP अगर देखेंगे तो 90,000 के आसपास की MRP है। देखते हैं 4K HDMR एंड Dolby Vision, Dolby Atmos एंड DBX 10 MEMC एंड हैंड फ्री वॉइस कंट्रोल एंड ओके गूगल के साथ आपका वॉइस असिस्टेंट इसमें दिया हुआ है। लेटेस्ट गूगल टीवी हायर का लेटेस्ट मॉडल, जो कि आपका आज इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इसकी पिक्चर क्वालिटी है, क्या डिज़ाइन है। तो चलिए, ये मॉडल देख सकते हैं आप, HQLED TV 4K HDR के अंदर आता है। तो जल्दी से इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और मार्केट के अंदर क्या प्राइस का मिनिमम रहने वाला है और मैक्सिमम क्या प्राइस का रहने वाला है। तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं, अभी तो मेरे पास ये पैक्ड है, और इसको ओपन करके इसके देखेंगे क्या कनेक्टिविटी इसमें दी हुई है। ये देख सकते हैं आप कम्प्लीटली, अभी यूनिट मेरे पास रिसेंटली आई है, तो इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली ओपन कर लिया हमने, ये देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। ये इसके टेबल टॉप के स्टैंड है, जो कि टेबल टॉप के लिए होते हैं, ये टेबल टॉप स्टैंड आ जाएगा। और एक ये आ जाएगा ब्रैकेट, इसकी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बेजल लेस दिया हुआ है, 3 साइड बेजल लेस रहेगा आपका, 3 साइड बेजल लेस में आ जाएगा। और ये आपका एल्युमिनियम फिनिश के अंदर आ रहा है, एल्युमिनियम फिनिश में आ जाएगा आपका। ये बैक साइड से भी आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, 30 वोट का साउंड दिया हुआ है इसके अंदर। अगर बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, तो 30 वोट का साउंड दिया हुआ है विद बास इम्पैक्ट के साथ दिया हुआ है। और कनेक्टिविटी भी देख लेते हैं इसमें साथ के साथ, कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी इसमें दी हुई है, इसमें 3 HDMI पोर्ट्स दिए हुए हैं, सॉरी 4 HDMI पोर्ट दिए हुए हैं, एक साइड में और 3 नीचे की साइड दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। विथ ऑप्टिकल कनेक्टिविटी एंड लैन कनेक्टिविटी के साथ दिया हुआ है, एंड पेन ड्राइव कनेक्टिविटी के भी 2 पोर्ट दिए हुए हैं इसके अंदर, 2.0 ये ऑप्शन इसके अंदर एडिशनल आपको मिल जाता है। कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सभी दी हुई है। इसकी पिक्चर क्वालिटी भी अब देख लेते हैं हम, और साउंड क्वालिटी भी सुनाते हैं जल्दी से। एक बार फ्रंट से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, चलिए पिक्चर क्वालिटी इसको आप देख लेते हैं पावर ऑन करके एंड साउंड क्वालिटी। तो फाइनली इंस्टॉल कर लिया है हमने, और ये पावर ऑन कर लिया है और स्टार्टअप कर रहा है। ये देखिए वेलकम पे भी गूगल टीवी आ रहा है। तो ये LG का जो हायर का जो है, ये आपका गूगल टीवी है 55 इंच का। तो गाइस ये जो मॉडल है आपका हायर का 55 S8 GT मॉडल है, 2023 मॉडल हायर का लेटेस्ट 4K गूगल टीवी, जो कि आपका अभी गूगल टीवी के नाम से आ रहा है। ये HQLED है आपका हायर का ये मॉडल, लेटेस्ट 2023 मॉडल। लुक और डिज़ाइन मैंने आपको दिखाई दिया, पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी भी इसकी मैं सुना देता हूँ आपको। कुछ नॉर्मल सेटअप्स हैं वो मैं कर देता हूँ इसमें। तो सबसे पहले कि आपको रिमोट पेयर कर लेना है इन दोनों बटनों से, ये पेयर कर लेना आप। रिमोट पेयर करने के बाद ये इजीली सेटअप कर सकते हैं आपको, सेटअप करके दिखा देता हूँ। इंडिया, तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है गूगल टीवी है, तो गूगल टीवी पे ही सेटअप करें, बेसिक टीवी पे सेटअप ना करें, क्या इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे आप गूगल टीवी का। तो गूगल टीवी पे सेटअप कर देते हैं इसका। ये बारकोड आ जाएगा, बारकोड आपको स्कैन कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, ये वाली गूगल होम की, ये डाउनलोड कर लेनी है आपको। देन उसके बाद स्कैन कर लेना है आपको इसका, स्कैन का मैं बताता हूँ, ये आपका ऑप्शन आ रहा है सेटअप वाला, इसमें आएगा आपका नेक्स्ट कर दीजिए,
टर्न ऑन कर दीजिए इसको, अलाउ। अब ये जो आपका जो टीवी का बारकोड दिखा देगा या टीवी का मॉडल नंबर आपको दिखा देगा, ये वेट करना होगा कुछ देर के लिए आपको। ये देखिए ये दिखा दिया इन्होंने गूगल टीवी 5073, तो इस पर आपको प्रेस कर देना है, यस कर देना है, स्कैन कोड कर देना है, अलाउ। ये आ गया, स्कैन हम कर लेते हैं इसको। ये देखिए स्कैन हो गया और ये आपका कनेक्ट हो रहा है आपको गूगल टीवी से। ये देख सकते हैं वहाँ कनेक्टेड लिखा भी आ गया है, देखिए कनेक्टेड, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड द गूगल होम एप्स, देख ही रहे होंगे आप। और कुछ देर में चालू हो जाएगा ये फ़ोन टैबलेट, ये आ गया फ़ोन में भी मेरा कनेक्टेड लिखा आ गया कम्प्लीटली। ये इसको एस्केप कर लेना है, इसमें से आप लिविंग रूम या फ्रंट गार्डन जो भी आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसको आपको लिविंग रूम में कर देता हूँ। वाईफाई का पासवर्ड इसमें हम डाल देते हैं, ये मैंने डाल दिया है वाईफाई इसके अंदर, तो अभी कुछ सेकंड में आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। मैंने मोबाइल में डाल देना पासवर्ड आपको, तो आपका टीवी भी कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने मोबाइल में डाला तो टीवी पे भी शो कर दिया, देख सकते हैं आप, कनेक्टेड टू वैली प्लस 32, ये हो रहा है कनेक्टेड। वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो गाइस फाइनली हमने सेटअप ऑन कर लिया, पिक्चर क्वालिटी आप इसकी देख सकते हैं, 55 इंच एसिड GT मॉडल जो कि HQLED मॉडल है हायर का, लेटेस्ट 2023 मॉडल गूगल टीवी के नाम से मार्केट के अंदर आया हुआ है 2023 मॉडल। ये HQLED के अंदर आएगा, 4K HDR Dolby Atmos एंड Dolby Vision भी दिया हुआ है, हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल है, MEMC इसके अंदर दे रखा है एंड SDR के साथ है। तो पिक्चर क्वालिटी नो डाउट पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेटर है, आपको मैं दिखा देता हूँ ढंग से, आप देख सकते हैं ये इसकी पिक्चर क्वालिटी है। पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ इसका डिज़ाइन कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस लेवल भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसके साथ साथ साउंड क्वालिटी की अगर बात कर लेते हैं, साउंड क्वालिटी इसके अंदर 30 वोल्ट का साउंड आउटपुट दिया हुआ है, जो कि डॉल्बी एटमॉस कनेक्टिविटी आपका कर सकते हैं इजीली, और डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेबल है और डॉल्बी विजन के साथ है, दोनों ही बढ़िया मॉडल दिए हुए हैं। HQLED है आपका हायर का गूगल टीवी, तो पिक्चर क्वालिटी ऑलरेडी इसका इन्हेंस हो जाती है। कनेक्टिविटी मैंने बताई थी इसके अंदर, कनेक्टिविटी के HDMI के 4 पोर्ट दिए एंड वॉइस कमांड एंड गूगल असिस्टेंट इसके अंदर दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर दिया हुआ है, ब्लूटूथ भी 5.1 के साथ दिया हुआ है इसके अंदर। साथ ही साथ इसमें आपको कनेक्टिविटी HDMI के 4 पोर्ट एंड USB के 2 पोर्ट दिए हुए हैं एंड ऑप्टिकल कनेक्टिविटी एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपकी दे रखी है, देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साउंड भी सुना देता हूँ, इसका साउंड क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। बात करें तो इसके प्राइस की, तो प्राइस का कॉस्ट कर रहा है 51,000 का, 51,000 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा मार्केट के अंदर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल है। और फिर भी कोई क्वारी होती है आपको मॉडल को लेकर, कोई LED को लेकर या किसी भी तरह की, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।